हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। केबीसी 12, शिवम राजपूत ने छोड़ा 1 करोड़ रुपए का यह सवाल, जाने क्या है सही जवाब। कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन के 23 दिसंबर के एपिसोड में कानपुर के शिवम राजपूत ने 50 लाख रुपए जीत लिए। शिवम राजपूत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में क्लर्क के तौर पर काम करते हैं। शिवम के साथ उनकी मां मंजू राजपूत भी कौन बनेगा करोड़पति के इस इवेंट में शामिल हुई। शिवम राजपूत के ज्ञान की अमिताभ बच्चन ने भी तारीफ की। इसके अलावा क्रिकेट के शौकीन शिवम राजपूत के खेलों को लेकर ज्ञान के भी अमिताभ बच्चन मुरीद दिखे। शिवम राजपूत ने बिग बी से बात करते हुए कहा कि वह बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के चलते खेल से दूर होना पड़ा। फिलहाल वह UPPCL में क्लर्क के तौर पर नौकरी करते हैं। शिवम राजपूत ने लगातार सवालों के जवाब देते हुए 50 लाख रुपए की रकम अपने नाम कर ली। हालांकि उन्होंने 1 करोड़ रुपए के सवाल पर कोई रिस्क नहीं लिया और गेम को क्विट करने का फैसला लिया। यह सवाल था, मेघालय शब्द गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए थे, ए बंकिम चंद्र चैटर्जी, बी शिव प्रसाद चैटर्जी, सी राधानाथ सिकंदर और डी डोरोथी मिडलटन। इस सवाल का सही जवाब शिव प्रसाद चैटर्जी है, लेकिन शिवम राजपूत ने कोई रिस्क न लेते हुए 50 लाख रुपए की रकम सुरक्षित लेकर लौटने का फैसला लिया। शिवम राजपूत के बाद अमिताभ बच्चन के सामने CRPF के DIG प्रीत मोहन सिंह अब हॉट सीट पर है। प्रीत मोहन सिंह अब तक 40,000 रुपए की रकम जीत चुके हैं। गुरुवार को एक बार फिर से वह अमिताभ के सामने होंगे और खेल को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियो के नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।